राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्र परीक्षा 2022 में पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले के सर्वाधिक बच्चों ने अपना नाम दर्ज कराया है। दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर कुर्सीपार से सर्वाधिक 15 छात्रों का चयन हुआ है, जिसके लिए छात्रों के पालकों ने स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक शिक्षिकाओं का हृदय से धन्यवाद किया है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें भाग लेकर बच्चे अपने आने वाले 3 सालों तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कहा जाता है कि जब गुरु देना चाहे तो अपने शिष्य पर सर्वस्व निछावर कर देता है और अगर न देना चाहे तो ज्ञान का एक टुकड़ा भी नहीं देता। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर कुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार उन गुरुओं में से हैं जो अपने शिष्य पर सर्वस्व निछावर करना जानते हैं। अब तक ऐसा किसी स्कूल में देखने को नहीं मिला है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ भी बच्चों को दिलाया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि और बढ़ सके। स्कूल के प्राचार्य सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को इस परीक्षा की जानकारी दी और इस परीक्षा में बैठने के लिए किस तरह से उन्हें चयनित होना है यह भी बताया। बच्चों ने अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलना प्रारंभ किया और इस परीक्षा में भाग लिया। प्राचार्य सुरेश कुमार और उनके सहयोगी टीम ने बच्चों को कुछ इस तरह तैयार किया कि वे इस परीक्षा में अपना शत प्रतिशत देकर चयन करवा लिया और दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में सर्वाधिक 15 बच्चे इसी स्कूल से चयनित हुए। साथ ही पूरे प्रदेश भर में दुर्ग जिले से सर्वाधिक बच्चे इस छात्रवृत्ति परीक्षा को पास कर सूची में सम्मिलित हुए हैं, जिन्हें आने वाले 3 वर्ष तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होती है। चयनित हुए 15 बच्चे और उनके पालकों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन का हृदय से आभार जताया और इस परीक्षा की तैयारियां किस तरह से कराई गई इसकी भी जानकारी दी। यहां हम लोग का जो सिलेबस क्लासेस लगते थे उसके बीच में एक NMMS के लिए अलग से तैयारी कराते थे और सभी मैम ने भी बहुत ध्यान दिया कैसे पढ़ाना है इन्हें, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई। हमने भी ध्यान दिया बट मैम लोग ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। और एग्ज़ाम में मतलब कैसे लिखना है, पहले क्या चीज़ को करना है, ये सब पूरे डिटेल में हम लोगों को समझाया था। शुरू शुरू में लगा लेकिन फिर जैसे जैसे हम करते गए हमको आता गया तो हमें मज़ा आता गया, इंटरेस्टिंग होता गया। फिर एग्ज़ाम के बारे में जब हम लोग को प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया हमें तब पता चला, उससे पहले जानते भी नहीं थे हम NMMS में करते। मतलब बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि टीचर ने भी बाकी के क्लासेस को ध्यान दिया लेकिन इस क्लास के लिए उन्होंने भी अपनी मतलब पूरी जान दे दी, ऐसे बोलते हैं वैसे किया। मैम ने, प्रिंसिपल सर ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और TV भी लगवाया और मोबाइल लाने की ज़रूरत थी तो मोबाइल भी लाने के लिए अलाउ करा। तो मैं अपने टीचर्स और प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले तो मुझे और सपोर्ट हुआ। तैयारी यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की कराई जाती है, जैसे हमें कोचिंग की तैयारी भी कराई गई और NMMS की, अभी MPSC की भी तैयारी कराई जा रही है सुबह हमें बुलाकर। हमारे सिलेबस का भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाया जाता है, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है और NMMS NTSC इस एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हमें बहुत अच्छे से कराई जाती है, अच्छे से समझ आता है। यस सर, हमें एक्स्ट्रा होमवर्क मिलते थे ताकि हम घर में भी पढ़ सकें और स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। सर, हमें अच्छे से समझ आता था तो ये चीज़ हमें बर्डन नहीं लगती थी। पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा टीचर्स और पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं हमें कि हम इतना अच्छा प्रोग्रेस कर सकें और सारी होमवर्क कराना और अलग से हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देना पढ़ने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एग्ज़ाम ऐसे कंपटीशन होते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को हमारे इतना अच्छा मौका मिला और बच्चों को पढ़ाया गया बहुत अच्छे से और उनको स्कॉलरशिप मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है एजुकेशन के लिए जी। यहाँ के प्रिंसिपल सर और टीचर्स, उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी कराई और बच्चा मतलब इंटरेस्ट, उन्होंने बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेने लगा उनकी मेहनत की वजह से। मैं यहाँ के टीचरों को और प्रिंसिपल सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्रेस के लिए, हम यहाँ नींव इतनी अच्छी मिली पढ़ाई की कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के आए, जो चीज़ हम नहीं सोचे थे वो बच्चे हमारे आगे आए और उनको इतना अच्छा यहाँ पे मोरल सपोर्ट मिला कि हमें लगा ही नहीं कि हमने ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के प्रिंसिपल सर ने जितनी मेहनत की शायद हमने भी नहीं की होगी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बच्चों को।
के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट में ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की हम लोग को जानकारी भी नहीं थी और इस चीज़ की वहाँ पे कोई नॉलेज दिया ही नहीं गया कि ये चीज़ होती नहीं है। यहाँ आके ही हमको पता चला और हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। पर ये हुआ कि वहाँ पे सिर्फ सिलेबस के बेस पे पढ़ाई होता था और यहाँ पे उसके बेस की अलग से पढ़ाई हुई, जिसको बच्चों को अच्छा फ्यूचर के लिए उन्हें कुछ और भी सीखने का मौका मिला और उन्हें कुछ और भी करने का मौका मिला, जिसके लिए बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी और उनको अच्छे से जानकारी रहेगी कि हमें और किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। हमने ये बदलाव देखा कि हमारा बच्चा हर चीज़ में नॉलेज अपने आप ढूंढ रहा है, उसको इंटरेस्ट लग रहा है उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट जगा रहा है, हमको भी बता रहा है और खुद भी ले रहा है। और दूसरे स्कूल में जहाँ पढ़ते थे वहाँ से अच्छा पढ़ाई यहाँ पर हो रही, जिसके लिए वो खुद से आगे आ रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा तुम ये लो, वो खुद से बोलते कि हम उसमें जाएंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर कुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार ने इस परीक्षा की विस्तृत जानकारी देते हुए बच्चों के सघन सहयोग की बातें कही हैं और अन्य योजनाओं के द्वारा कुछ निर्धन और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने की मंशा भी जताई है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि उन्होंने मेहनत किया। दूसरा ये कि सरकार की योजना है कि सेजस विद्यालय खोले गए हैं और उसको अमली जामा पहनाने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर थी। जब मैं इस स्कूल में आया तो आते ही सबसे पहले मैं NMSC और NTSC और जितने भी ओलंपियाड या दूसरे कॉम्पिटिशन होते थे उसकी तैयारी शुरू कराई, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से हमारे जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे आशुतोष चौरे जी, अपना बघेल साहब और अभी जो वर्तमान DO हैं जायसवाल सर, उनके साथ मैं एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए मिशन बेटर एजुकेशन में कई वर्षों तक कार्य किया, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से हमको प्लानिंग करना है और किस तरह से हमको इसके इम्प्लीमेंट कराना है। और ये स्कूल में जब आया तो वो अवसर मुझे मिला कि मैं स्वतंत्र रूप से अपने जो प्लानिंग थी उसको मैं इम्प्लीमेंट करा पाऊँ। बच्चों का सहयोग अच्छा मिला, टीचरों का सहयोग अच्छा मिला, जिसके कारण कि हम इस परीक्षा में सफल हो पाए और बहुत ज़्यादा बच्चे इस विद्यालय से सक्सेस हुए हैं। ऐसे के लिए मैं 2-3 संस्थाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया था, जिसमें से BECT है, उन्होंने अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया और हमारे स्कूल के वहाँ भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए जिनको कि IIT जोन भिलाई में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है और वो बच्चे जो है IIT की नीट की वो निःशुल्क कोचिंग पा रहे हैं अपने मेरिट बेस पे। वो भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे और उस एग्ज़ाम में भी सेजस बालाजी नगर के अधिकांश बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो आज उसका लाभ उठा रहे हैं। सेजस प्राचार्य में के रूप में मैं देखूँ तो मैं ये पहली बार अनुभव किया हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन पूरा, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे DO साहब हो, सबका जो है अच्छा सहयोग मिला है और इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने में उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है और इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि वो जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का यह पहला वर्ष है और अपने पहले वर्ष में ही स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से यह स्कूल सुर्खियां बटोर रहा है। हाल फिलहाल में हुई बोर्ड की परीक्षा में भी स्कूल का परिणाम 100% रहा है और अब इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षाओं में पूरे 15 विद्यार्थियों का चयन भी काफी बड़ी बात है, जिसके लिए बच्चों और उनके पालकों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।